अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी YouTube फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी YouTube फैमिली को बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक का चांद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको इसी तरह से खुशियाँ दिखाए और सबको अपने अल्लाह पाक रोज़े रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इसी प्यारी दुआ के साथ। आज हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको सही से समझ आ जाएगी। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया है और उसे गर्म कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून हम इस ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और 500 ग्राम हमने कीमा यानी चिकन का कीमा ऐड किया है। इसे मैं इतना कुक करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी रिलीज़ हो जाए और उसी अपने ही पानी में ये कुक हो जाए। इस कीमे से हम बनाने वाले हैं जनाब कीमे के समोसे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। जितने भी लम्स बन गए हैं कीमे के, हम उसे इस तरह से प्रेस करते करते मैश कर लेंगे ताकि छोटे छोटे से चंक्स हो जाएं ये, क्योंकि ये कीमा मैंने घर पर ही बनाया था हाथ से, यानी कि तो इतना ज़्यादा बारीक नहीं हुआ। आप चाहें तो मशीन से भी बनवा सकते हैं इसको। अब इसको उतार के मैं दूसरी साइड पर रख दूँगी और यहाँ पर हम फिलिंग रेडी कर लेंगे अपने स्प्रिंग रोल की। तो उसको मैंने फिर दोबारा से वहीं रख शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसमें मसाले ऐड करने थे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटी लाल मिर्च। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो मैं आपको दे रही हूँ। बस थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से मिक्स किया था, कवर करके रख दिया। जब से पानी रिलीज़ हो गया, ड्राई हो गया, भून लिया इसको थोड़ा सा। अब हमने इसमें तकरीबन 300 ग्राम चॉप की हुई प्याज ऐड की है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें छोटी वाली हरी मिर्च का चॉप करके ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। बस हमने प्याज को थोड़ा सा ही ट्रांसपेरेंट करना था और उसमें हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और आधी गड्ढी हरा धनिया डालकर मिक्स किया और उसे ठंडा होने रख दिया। अब यहाँ हमने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया है, उसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक ऐड किया है। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे जो कि हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। 1 पाव हमने गाजर को जुलियन कट कर लिया था, 1 पाव शिमला मिर्च और 1 पाव ही हमने ली थी बंद गोभी। इन सबको जुलियन कट कर लिया था बिल्कुल। और हमने इन सब्जियों को इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि इन सब्जियों का कलर चेंज हो जाए या इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाए। बस हल्का सा ही हमने ऑयल में सोते करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, इसका कलर ख़राब हो जाता है। आधा किलो हमने चिकन ली थी, उसको हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन अदरक डालकर और बॉईल कर लिया था, उसके बाद श्रेडिंग करके इसमें मिला दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी काली मिर्च ऐड की है, पिसी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है। बस सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये रेडी है। इसे भी हम ठंडा कर लेंगे वरना ये गर्म गर्म, अगर हमने ढक्कन बंद कर दिया जिस तरह से मैंने दिखाया तो ये पानी रिलीज़ कर देगा और ख़राब हो जाएगा। 1 पाव हमने यहाँ पर चिकन ली है, इसे ऐड कर दिया। 1 पाव हरी प्याज का हरा वाला पार्ट है और 1 पाव हमने शिमला मिर्च ली है। 1 टीस्पून चॉप किया हुआ जिंजर, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक और 2 टेबल स्पून हमने हरी मिर्च ऐड की है। इन्हें हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की थी, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों से ये बनते हैं। और ये देखें, 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। और हम इसे अच्छे से इस पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा चंकी चंकी रखेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हमें इसको क्योंकि हम ये बना रहे हैं वॉन्टन की मिक्सचर। अच्छा, मैंने बनाया था एक वॉन्टन के अलावा, मैंने बनाई थी फिलिंग उसकी। ये देखें बस हो गया, थोड़ा सा इसी तरह से चंकी चंकी से चाहिए था। थोड़ा मुँह में जब आता है फ्राई करने के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, क्योंकि चिकन और वो सब मसाले ना अगर यकजान हो जाते हैं तो फिर चेंज हो जाता है। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया था, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, थोड़ा सा घुमाया फिराया उसको। और उसके बाद हमने 1 पाव कटी हुई प्याज, 1 पाव कटी हुई गाजर और 1 पाव कटी हुई प्याज नहीं सॉरी शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल चॉप की थी यानी कि डाइस शेप में और बहुत बारीक सी चॉप कर ली थी। अब हम इन सब्ज़ियों को भी कलर चेंज नहीं होने देंगे और बस
क्रंचीनेस इसकी हम रखेंगे ताकि बिल्कुल भी ना ये पानी रिलीज़ ना करें। इसका पानी नहीं चाहिए हमें, तेज़ आंच पर ही हम इसको कुक करेंगे। एक पाव यानी कि 300 ग्राम हमने चिकन लिया था, उसको भी हमने बॉईल कर लिया था। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब ये क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, चिकन हमारी कुक हुई हुई है, बस हम इसको इसी तरह चलाते घुमाते और जो है इसका अगर पानी रिलीज़ हुआ थोड़ा बहुत तो बस हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। हमने किसी भी सब्ज़ी का कलर भी चेंज नहीं होने देना है और ना ही क्रंचीनेस चेंज होने देनी है। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो रही थी जनाब डम्पलिंग के लिए, या जो आप इसको मोमोज़ भी कहते हैं। और इसमें एक टिन हमने बिल्कुल ड्राई करके ना स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए हैं जो टिन में आते हैं। अब ये चार फिलिंग हमारे पास रेडी हो गई हैं, एक डम्पलिंग की है, एक समोसे की स्प्रिंग रोल की और एक मोमोज़ की, हमारे पास एक वॉन्टॉन की है, यानी कि चार हैं। तो बस मोमोज़ की और यानी कि डम्पलिंग की वो तो मैं कल शेयर करूँगी क्योंकि अचानक ही आपने देखा कि। तो यहाँ पर मैं बात अपनी अभी अधूरी छोड़ती हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, जिसके लिए मैंने एक स्प्रिंग शीट ले ली है। आप अगर किसी और शेप में शीट लेना चाहें और आप इजीली बना सकते हैं तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मिक्सचर रखा है अपनी सब्जियों वाला और अंडे को मैंने बहुत अच्छे से ब्रश किया है। अच्छा मैं बता दूँ अंडे में मैंने क्या मिलाया है, एक अंडा लिया है, 1 टेबल स्पून भर के मैदा लिया है और इन्हें बहुत अच्छी सी हमने फेंट लिया है ताकि एक लई सी बन जाए। तो इससे बिल्कुल भी कभी भी नहीं खुलते आपके रोल समोसे वगैरह, जिस चीज़ पे भी आप अप्लाई करेंगे वो कभी भी जो है इस तरह नहीं होगा कि चिपका हुआ ना हो, बिल्कुल से सील्ड हो जाता है ये एक तरह से। आप देखें कितने आसानी से ये बन गया है, आपने देख लिया होगा इसको। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा दूँगी तो आप देखते रहें। और मैं आपसे कर रही थी बात क्योंकि जो डम्पलिंग की रेसिपी है और मैंने बनाया है, एक दो चीज़ें और बनाई हैं जो कि मैं कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही थी और आपने जैसा कि देखा एक अचानक से ही रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने की इतला मिली तो सब कुछ इधर धर्म भरम हो गया और मैं भी थोड़ा एडिटिंग ही कर रही थी उस टाइम पर और नहीं कर पाई क्योंकि मैं डेली की डेली ही एडिटिंग कर रही हूँ और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बस जैसे ही खबर मिली तो मेरे भी हाथ हड़बड़ी में ना हाथ पैर फूल गए कि अब क्या होगा, कल मेरी वीडियो तो आज अपलोड होनी थी, अगर लेट हो गई तो फिर जो है ना सब मेरा मजाक ही उड़ाएंगे कि बिल्कुल लास्ट में ही वीडियो अपलोड की है। बहरहाल वीडियो का मैंने खैर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने लगा दिया है और रमज़ान की मुबारकबाद भी दे दी है और लिख भी दिया है कि मेरी वीडियो आज 1 बजे अपलोड होगी। तो बस ये सिर्फ चांद नज़र आने की वजह से ही मेरी वीडियो लेट हो गई है और घर के काफ़ी काम इस तरह से पेंडिंग में थे कि जो कि हमें कल करने थे। काफ़ी मेरे व्लॉग से रिलेटेड चीज़ें भी थी, कुछ काम भी थे जो कि मैं कल आपके साथ शेयर करती और सिर्फ चांद जल्दी नज़र आने की वजह से शायद अब मैं वो ना कर सकूं। लेकिन यह है कि जो वीडियोस मैंने आज बनाई हैं और पेंडिंग में रह गई हैं वो मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरा पार्ट 2 था रमज़ान प्रिपरेशन का। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता वो डेली के डेली ही अपनी चीज़ें बनाते हैं, तो रेसिपीज़ तो मैंने इसमें पूरी ही दी हैं, वो जो है रमज़ान में डेली देखकर मेरे व्लॉग को और बना सकते हैं, तो इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। यहाँ हमारे सारे रोल बन भी गए थे और बच्चियाँ भी आ गई थी, दोनों ने मिलजुल कर बनवा लिए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी मुझे, तकरीबन ये करते करते 10 बज गए थे। 10 बजे के बाद जैसे ही मैं बैठी एडिटिंग करने के लिए, मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक के ही अपने यानी कि वीडियो से फारिग होकर और एडिटिंग करने बैठती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो जो है ना 12 बजे अपलोड हो जाती है। लेकिन आज यही हुआ कि 10 बजे जब मैं बैठी हूँ कुछ देर बाद ही खबर मिल गई, हाथ पैर फूल गए भाई जनाब मेरे, फिर मैं नहीं कुछ कर पाई। मैंने सोचा कि बस जल्दी से मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर तो लिख दूँ जनाब मेरी वीडियो देर से आएगी और सबको मुबारकबाद भी दे दूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ समोसा और उसकी टेक्निक देख लीजिए आप, मैंने किस तरह से इसको एक ट्राइंगल शेप दिया है माशाल्लाह से और कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ये देखें। अब बस मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है ना इसकी फिलिंग ऐड कर दूंगी, ये देखें इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसको अंगूठे से प्रेस कर लेंगे, ये देखें इस तरह से कितना सफाई से ये बना और कितना साफ सुथरा लग रहा है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपकी बाजी बना रही हैं, ये देखें माशाल्लाह। बस अब मैं इस पर जो अंडे की हमने लई बना के रखी है, सिलहरी बना के रखी है, वो हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। और आप इसमें कोई शर्म और झिझकने वाली बात नहीं है कि मैं बना रही हूँ या कोई भी बना रहा है, तो बस सील्ड हो गया, आपने इसको अच्छे से सील्ड करना है वरना इसमें जो है ना ऑयल चला जाएगा और घर वाले खाएंगे नहीं तो फिर आपका दिल टूटेगा। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की समोसे बनाए
थोड़ा सा ये ऑयल ये जाने की वजह से ना किसी ने खाए नहीं, तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया था, परफेक्ट बना था। मैं एक और आपको सील्ड करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजी वे में बनते हैं ये, कोई ऐसे इसमें मुश्किल बात नहीं है। खैर बहरहाल रमज़ान की बात कर रहे थे हम, मैं कर रही थी। तो अभी परसों में गई थी मार्केट ना, यानी कि मॉल गई थी, तो वहाँ मैंने देखा इतना ज़्यादा रश था बहनता, समझ नहीं आ रहा था लोग रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि जूते कपड़े ज्वेलरी हर तरह की चीज़ों पे रश था। मॉल पे तो यही चीज़ें होती हैं ना, तो हर शॉप पे रश था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि लोग रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं या ईद की कर रहे हैं, क्योंकि अब तो देखें हर तरह का ये ट्रेंड हो गया है कि बस छोटा सा भी कोई इस तरह की होती है ना, जैसे अब रमज़ान हो गए, 12 रबीउल अव्वल हो गए, 14 अगस्त हो गई, यानी कि तो उस सब पे ना इसी तरह से तैयारियां होती हैं, जैसे कि पहले हम देखते थे बचपन में कि जनाब ईद बकरीद की तैयारी होती थी, सिर्फ इतनी ज़्यादा तो नहीं होती थी कि ना आपने 14 अगस्त को भी कर रहे हैं आप, 12 रबीउल अव्वल को होते थे लेकिन बहुत सादगी से होती थी। इस वक्त आप देखें पूरे पूरे स्टॉल दुकानें जब ये 12 रबीउल अव्वल आती है तो भर जाते हैं और बिल्कुल एक ईद त्यौहार की तरह है। चले कहते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी, बेशक अल्लाह के रज़ा के लिए करें आप, लेकिन ना जिनके पास नहीं है वही लोग आप देखा करें कि स्टॉल पर और शॉप पर जमा होते हैं और वो बेइंतहा शॉपिंग कर रहे होते हैं जैसे कि ईद की कर रहे हो। तो बस मैंने यही अभी मॉल पे देखा कि इतने ज़्यादा तैयारियां हो रही थी, तो मैं हैरान, मैंने कहा यार सब तो यही कहते रहते हैं कि भाई महंगाई है महंगाई है, और अभी रमज़ान से पहले इतना कुछ ख़रीद रहे हैं लोग, समझ नहीं आया कि क्या ख़रीदना चाह रहे थे। मुझे तो खैर एक दो चीज़ें अपने किचन की लेनी थी जो कि मेरे रमज़ान में इस्तेमाल में आने वाली थी, वो मैंने ली थी ना क्रॉकरी से। तो बस यहाँ देखें मेरी बातें भी होती जा रही हैं और आपसे मेरा यानी कि यहाँ समोसे भी रेडी करती जा रही हूँ मैं और आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। तो आप ना ये अंडे वाली स्लरी ज़रूर बनाइएगा, ये इससे बहुत अच्छी ज़बरदस्त सील्ड हो जाती है ना हमारी कोई भी चीज़। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे रमज़ान ही आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करूं कि मैंने सहरी की या इफ्तारी की जो भी मैं बनाऊं, तो वैसे तो मुश्किल ही लगता है मुझे सहर और इफ्तार की वीडियो बनाना थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला के ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि इफ्तार और सहर बनाने में और उसके बाद ना वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए यह है कि मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि पिछले रमज़ान में तो मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे, इसी रमज़ान में मैं व्लॉग बना रही हूँ, पिछले रमज़ान में मेरी वीडियोस होती थी तो मुझे इतना बर्डन नहीं होता था। अब ये व्लॉग की सूरत में होंगी तो थोड़ा लंबा इसका ना प्रोसेस हो जाता है यानी शूट करने का। तो ये देखें ये भी कितना स्मूथ सा और क्लियर एकदम समोसा बना है, सारे समोसे ना आपको हलवाई स्टाइल मिल रहे हैं। तो बस मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो व्लॉग या मेरे रमज़ान स्पेशल प्रिपरेशन है, ये जो भी है आप ज़रूर इसको मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और इनको यानी कि क्या कहना चाहिए आइडियाज़ जो मैंने दिए हैं उनको भी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मेरे साथ आ गई थी दोनों बच्चियाँ यानी कि फैज़ी भी और आमना भी, और ये झटपट आप देखिएगा कितनी जल्दी बनवा लेंगी माशाल्लाह से, बहुत ही ट्रेंड बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से, सारे ही काम करवा लेती हैं और पढ़ाई लिखाई बुनाई सभी कुछ कर ही लेती हैं माशाल्लाह से। आमना तो पढ़ रही थी लेकिन फिर आमना ने कहा कि नो मम्मा थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ होना चाहिए, मैंने तो फिर वो भी आ गई थी। और दोनों बहनें ही ये देखे आमना दिखा रही थी आपको समोसा कितना ज़बरदस्त आमना ने बनाया था। तो बस सारा ना काफ़ी लोगों का जो माइंड था ना कि बल्कि यही हमने भी सुना था टीवी पर भी, ये देखें मैं पहले बाद में बात करती हूँ, ये जो ट्रायंगल समोसे आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, ये मैं जो उठाया है स्टार वाले ना, ये भी मैंने कैसे बनाए मैं ये कल आपको बताऊँगी, और ये छोटे वाले जो हैं मिनी समोसा ये भी मैं आपको कल बताऊँगी कैसे बनाए हैं, और ये कीमे के समोसे, कीमा तो तीनों में ही है लेकिन बनाने का क्या इनका तरीक़ेकार है वो मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी। और इसके बाद जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो मैंने सोचा यार मैं इसको कब तक एडिट करती रहूँगी, और मैं इसको कट कर देती हूँ, बाकी वीडियो मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ ना। तो मैंने लेकिन ये जो तीन रेसिपी आपको दिखाई हैं इनकी मैंने प्रॉपर और पूरी ही वीडियो आपको रेसिपीज़ दी हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना।
अब मैंने इन सब चीज़ों को जो जो रेडी होते जा रहे थे और उनको मैं कंटेनर में रख के और फ्रीज़र में रखती जा रही थी। अब यहाँ हम बना रहे हैं वॉन्टन। तो एक स्क्वायर शेप में हमने ये शीट ली है, या आप बोल के ले लें कि ये वॉन्टन की शीट दे दें तो वो स्क्वायर शेप में दे देंगे। अब हमने इसमें इस तरह से रखा दिया, देखें, और एक इसको ना बटरफ्लाई का शेप दे देंगे हम, ये देखिएगा, ये तो कोई इसको फिश भी कह सकते हैं, कोई बटरफ्लाई कह सकते हैं, ये इस टाइप ना, ये देखें कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाया, ये देखें माशाल्लाह। आप कहेंगे हलवाइयों को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आम दिनों में आप चाय के साथ खाएं, ओहो हो, इतना कोई ज़बरदस्त मज़ा आता है। वन बाइट लगते हैं बस, लेकिन हम फिर भी दो तीन बाइट ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो वो इतना अगर हम मुँह में पूरा रख लेंगे गोलगप्पे की तरह तो ये ना एकदम से मुँह में कहीं ना कहीं कट लग जाएगा। अच्छा, मैं ये बता रही थी, चारों कोनों पे हमने ये अंडे वाला ब्रश किया है, यानी कि फिंगर से लगा रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसकी फिलिंग बीच में रखी है, उसके बाद ना डबल करके और चिपका दिया, अच्छे से चिपकाना है। अब फिलिंग को हमने एक फिंगर से प्रेस किया और दोनों कोने एक पे एक रख के ना, और ये लगा दी है लई, और इनको दबा दिया अच्छे से, ये देखें। बस इतना सिंपल सा काम है, कोई इसमें लंबा चौड़ा थाम जाम नहीं करना है आपको। और मेरे साथ तो बच्चियाँ भी माशाल्लाह बना रही थी, ये देखें मशीन देखें आप माशाल्लाह से कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। तो बस इन दोनों बहनों का ना बस यही चक्कर होता है, ज़रा सा फ्री होती है ना तो, यानी कि अपना टाइम से फ्री होती हैं काम वगैरह से, तो बस ये बना लें भाभी और ये खा लें और ये कर लें, ये ना दोनों बहनें इसी चक्कर में लगी रहती हैं माशाल्लाह से ना। कल भी फैज़ी ने एक बहुत अच्छे से सैंडविच ट्राई किए थे, बनाए थे अली के लिए, तो बहुत पसंद आए हम सबको। और मेरी तो हालांकि कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, लेकिन जब वो अली खाने के लिए बैठे तो उन्होंने एक मुझे बाइट दिया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। फिर फैज़ी ने जब सुना मम्मा को पसंद आ रहा तो वो भी किचन में बना ही नहीं थी अमना के लिए, तो उन्होंने फिर मुझे एक पूरा बना के ला दिया। हालांकि मैं एक बार ना जब मैं दवा लेने गई थी, वापस आ रही थी, तो मैंने चाय पराठा लिया था कि मैं जाके ना खाऊंगी, और मैंने खा भी लिया था माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे दवा खानी थी इसलिए। तो उसके बाद जब अली के लिए फैज़ी ने बनाया सैंडविच, चीज़ सैंडविच था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खाया। तो बस है ना माशाल्लाह से मेरी बच्चियाँ भी, आप भी सोचते होंगे हर वक्त बच्चियों की तारीफ़ करती हैं, तो भाई मेरी बच्चियाँ मेरे लिए, हर माँ के लिए अपनी बच्ची तारीफ़ के काबिल होती है। आप लोग भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो केयर करें, बच्चों को जितना इनक्रेज करेंगे, जितनी उनकी हौसला अफजाई करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अपने हर काम में परफेक्शन लाएंगे और मेहनत से ही करेंगे, चाहे काम हो चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो। आगे बढ़ने की जस्तजू होती है जब हम बड़े या बच्चों के टीचर कोई भी उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अब ये देख लें माशाल्लाह से, एक एक आप उठा के देख लें, कुछ बच्चियों ने भी बनाए, कुछ मैंने भी, और सारे ही माशाल्लाह परफेक्ट बने, आप पहचान नहीं सकते उन्होंने बनाए हैं या मैंने। अच्छा, अब हम ना इनको सेव करने के लिए इस तरह से देखें, मैं एक में एक जो है थोड़ा सा ना इन कर रही हूँ, यानी कि अंदर की तरफ करके, और एक दीवार सी बना रही हूँ ताकि ये टिक जाएँ एक दूसरे में ना, होल्ड हो जाएँ, वरना ये स्लिप होके ना अपना शेप चेंज कर लेंगे जब हम इन्हें फ्रीज करेंगे। तो बस मेरी ये मेक एंड फ्रीज़ की वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब ये हैं कल वाले हमारे डोनट, ये भी हमारे हो गए थे फ्रीज़, तो कल तो मैंने आपको दिखाए नहीं थे क्योंकि फ्रीज़ नहीं हुए थे, आज फ्रीज़ हो गए, तो मैं अब इनको रख रही हूँ कंटेनर में उठा के। और मैं किस तरह रख रही हूँ आप देख सकते हैं, मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो मैं हमेशा होता भी है तो सिर्फ क्लीन रैप से या मैं इनसे दूध वाले शॉपर से ही कवर करती हूँ। और ये कल वाले हमारे जो हैं शामी कबाब हैं, ये भी ड्राई हो गए थे, सॉरी ये भी हमारे जो है ना फ्रीज़ हो गए थे, और इनको भी हम इसी तरह से कंटेनर में रख देंगे और अच्छी तरीके से, ये देखें। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं आज का ये मेरा मोटिवेशनल ब्लॉग। मेरे रमज़ान प्रिपरेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बार फिर मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, रमज़ान का चांद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि अल्लाह पाक कल के भी पहला रोज़ा है, कोई ऐसी थकावट ना हो, तो मैं आपके लिए और भी इससे अच्छी और इससे ज़्यादा अच्छी
वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ देखें बातों में सारे ही मेरे शामी कबाब ना मैंने पैक कर दिए हैं और इन्हें भी ले जाकर मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।